टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और है ना, उसको क्या किए पी बी एच करके रूट थ्री ए कर दिए। यहाँ पे मैंने शायद गलत नहीं लिखा था, सही लिखा है। साइन थर्टी बाई पी बाई एच होता है ए बाई टू ए बराबर वन बाई टू, साइन थर्टी बराबर वन बाई टू, वो आंसर प्रूफ हो गया। ऐसे ही करके साइंस सिक्सटी का वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ए डी सी बी डी सी में, बी डी सी कर दिया हमको, एच दिया है, बी दिया है लेकिन पी नहीं दिया है, ये एंगल माने तो है ना। तो वो ऐसे करके यानी पी निकालेंगे तो पी तो निकल जाएगा रूट थ्री इंटू ए स्क्वायर बराबर रूट थ्री ए हो जाएगा है ना। तो साइन साइट बराबर पी बाई एच होता है, रूट थ्री वाई रूट थ्री ए बट्टा टू ए एच का वैल्यू, जो वैल्यू पी बी एच का वैल्यू डाल रहा है वो पी बाई एच का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, तो रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। साइन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू आ जाएगा ज्योमेट्रिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बना करके है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनता है, हर एक का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ये आप याद है। ये अगर ए होगा तो ये, अगर ये होगा ये ए होगा होगा तो ये भी ए होगा है ना, ये अगर टू ए होगा तो ये भी टू ए होगा, ये अगर टू ए होगा तो ये भी टू ए होगा। एक मोर इम्पोर्टेंट, और सब का डिग्री होता है 60 60 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री। अगर आपको 30 डिग्री करना है तो यहाँ पे एक लम्ब डाल दीजिए, उसको 30 डिग्री डिवाइड कर दीजिए, और वो फिर वो 60 डिग्री बोल जाइए 30 डिग्री वाला पहले, तो इसको क्या कर दीजिए, उसको हम ऐसे ही निकालें, उसको क्या किए हैं, ये 60 डिग्री वाला भूल गए हैं, 30 डिग्री वाला निकाल दिए हैं, उससे पहले वाला क्वेश्चन उसको ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी और ये डी है ना। तो ए बी डी में, ए बी डी में करके निकाल लीजिए, साइन थर्टी का वैल्यू निकल जाएगा। साइन सिक्सटी का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, पूरा लेना है पूरा 60। तो यहाँ ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में क्या करेंगे, ए डी सी ये 30 है तो यहाँ पे 60 है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये डी है और ये सी है, ये ए है, ये 30 डिग्री है, तो इसको नहीं लेना इस बार 60 डिग्री को लेना है, तब तो साइन 60 डिग्री निकलेगा है ना। तो हमको क्या दिया है, ये सामने वाला पी नहीं दिया हुआ है, क्या के एंगल के जब सामने वाला पी होता है ये 60 डिग्री है तो है ना। ये एच कितना, एच दिया हुआ है टू ए, और ये क्या है बी दिया हुआ है टू ए होता है, उसका आधा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और उसका भी आधा ए हो जाएगा, ये आप याद रख लीजिएगा, ऐसे करके फार्मूला करके निकाल लीजिएगा है ना। प्लीज़ उस वीडियो को जितना शेयर कीजिए उतना सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी त्रिकोणमिति को समाप्त करूं, और दूसरा यूनिट में चाहता हूं जल्दी से जल्दी डालूं, और आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब शेयर करिए उसको है ना।